नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज की इस क्लास में जानेंगे अभी जो पालघर मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें भीड़ के द्वारा 3 लोगों को मार दिया गया है, उसी से संबंधित आपका ये आर्टिकल है। तो इसमें देखेंगे कि आखिर क्या घटना है पालघर लिंचिंग की, क्या घटना है। फिर बात करेंगे कि भारत में मॉब लिंचिंग के बारे में देखेंगे, मॉब लिंचिंग को रोकना किस तरह से रोक सकते हैं उसे भी देख लेंगे। कई राज्यों ने आपके कानून बनाए हैं इसे रोकने के लिए, उन कानून को भी हम लोग देख लेंगे। और भीड़ द्वारा जो हत्या की जाती है इसके कारण क्या है, आखिर कोई कारण तो होगा हत्या करने का, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और भीड़ द्वारा हत्या क्यों रोकनी चाहिए इसे भी देख लेंगे। जैसा कि आपने न्यूज में भी सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में भीड़ द्वारा 3 लोगों को कथित तौर पर बाल अपहर्ताओं और अंग कटाई करने वालों के रूप में संदेह करने के बाद हत्या कर दी। लिंचिंग एक समूह द्वारा की गई गैर न्यायिक हत्या है। लिंचिंग क्या है? एक समूह मिलकर किसी की हत्या कर दे, वही सामान्य तौर पर लिंचिंग होती है। इसका उपयोग अक्सर एक कथित अपराधी या फिर एक दोषी अपराधी को दंडित करने या फिर एक समूह को डराने के लिए एक भीड़ द्वारा अनौपचारिक सार्वजनिक निष्पादन की विशेषता के लिए किया जाता है, या अनौपचारिक समूह के सामाजिक नियंत्रण का एक चरम रूप भी हो सकता है, और यह अक्सर एक सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं पालघर लिंचिंग के बारे में, देख लेते हैं। यह घटना 16 अप्रैल की रात हुई, जब कांदीवली के एक आश्रम में रहने वाले 2 तपस्वियों, 60 वर्षीय महंत कल्पवृक्ष गिरी और 35 वर्षीय सुशील गिरी महाराज ने सूरत में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने का निर्णय लिया। बाद में दोनों ने कांदीवली से सूरत तक यात्रा करने के लिए नीलेश एहलगड्डे 30 साल द्वारा संचालित एक कार किराए पर ली। अपनी यात्रा को लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा रोकने से बचने के लिए प्रयास में तीनों ने मुंबई गुजरात राजमार्ग का उपयोग करने के बजाय गुजरात में प्रवेश करने के लिए पालघर जिले की पिछली सड़कों को लिया। हालांकि तीनों को गढ़ चिंचले गांव के करीब वन विभाग की एक संतरी ने रोका। जब वे संतरी के साथ बात कर रहे थे तो तीनों को एक सतर्क गैंड ने पकड़ लिया और मारपीट की। पालघर के दूर दराज की एक आदिवासी गांव गढ़ चिंचल में ग्रामीणों के एक समूह ने उनकी कार को रोका, उन पर पत्थर और लोग कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। बात करते हैं भारत में मॉब लिंचिंग। भारत में लिंचिंग जातीय समुदाय के बीच आंतरिक तनाव को दर्शा सकता है। समुदाय कभी कभी अभियुक्त या फिर संदिग्ध दोषियों को दोषी ठहराते हैं। एक उदाहरण 2006 का खैरलांजी नरसंहार है, जहां महाराष्ट्र के भंडारा जिले के गांव खैरलांजी में एक दलित जाति के परिवार के 4 सदस्यों को कुणबी जाति के लोगों ने मार डाला था। हालांकि इस घटना को एक नचली जाति के सदस्यों के खिलाफ उच्च जाति की हिंसा के उदाहरण के रूप में रिपोर्ट में किया गया था, लेकिन यह सांप्रदायिक हिंसा का एक उदाहरण पाया गया। यह एक ऐसे परिवार के खिलाफ प्रतिशोध था जिसने अपने क्षेत्रों के जब्ती का विरोध किया था, इसलिए एक सड़क का निर्माण किया जा सकता था जिसने उस समूह को लाभान्वित किया होगा जिन्होंने उनकी हत्या की। कत्ल करने और हत्या करने से पहले परिवार की महिलाओं को सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र किया गया था। इसमें समाजशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों ने जाति व्यवस्था के लिए नस्लीय भेदभाव को जिम्मेदार ठहराते हुए खारिज कर दिया। नस्लीय संस्कृति संघर्षों के लिए इसी तरह की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया। उसके बाद 2014 के बाद गौ हिंसा के संबंध में कई लिंचिंग हुई भारत में, जिनमें मुख्य रूप से मॉब लिंचिंग भारतीय मुस्लिम और दलित समुदाय
इस तरह के हम लोगों की कुछ उल्लेखनीय उदाहरण है, जैसे आपका 2015 की दादरी, 2016 की झारखंड, 2017 की अलवर का मॉब लिंचिंग सम्मिलित है। जुलाई 2018 में अलवर में तीसरी बार मॉब लिंचिंग की सूचना मिली, तथा कथित जब गौरक्षकों के एक समूह ने 31 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति रकार खान की हत्या कर दी। 2015 में दीमापुर की भीड़ ने, लूटपाट की नागालैंड के दीमापुर में भीड़ ने एक जेल में तोड़ दिया और एक अभियुक्त बलात्कारी को 5 मार्च 2015 को उसे न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण होने के पूर्व हत्या कर दी। फिर मई 2017 के बाद से जब झारखंड में 7 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था, भारत ने भीड़ संबंधी हिंसा और हत्याओं का एक और अनुभव किया जिसे फर्जी समाचारों के प्रसार के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से बाल अपहरण और संगठनात्मक हिंसा से संबंधित है। बिहार के छपरा जिले में जुलाई 2019 में मवेशियों की चोरी के मामले में 3 लोगों को की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। झारखंड में ग्रामीणों द्वारा जादू टोने के संदेह में 4 नागरिकों को पीटा गया तो पंचायत ने फैसला किया कि वे काले जादू का अभ्यास कर रहे थे। मॉब लिंचिंग को रोकना। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग को भीड़ तंत्र का घिनौना कृत्य बताया। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष रूप से लिंचिंग के अपराध से निपटने के लिए कानून को फ्रेम करने के लिए प्रेरित किया और इन कानूनों में फास्ट ट्रैक ट्रायल, पीड़ितों को मुआवजा और लॉ एंड फोर्सेस के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित कुछ दिशा निर्देशों को शामिल किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉब लिंचिंग के निवारक उपायों के लिए गाइडलाइन जारी की। राज्य सरकारें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नामित करेगी जो प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी के रूप में पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे नहीं होगा। राज्य सरकार पिछले 5 वर्षों में हाल ही में कहे गए जिलों, उप विभागों या फिर गांवों की पहचान करेगी जहां हाल के दिनों में हिंसा और भीड़ हिंसा की घटनाएं हुई हैं। पहचान प्रक्रिया इस निर्णय की तारीख से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 129 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर करने के लिए हर पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उसकी राय में हिंसा का कारण बनता है या सतर्कता के भेष में लिंचिंग का कहर बरपाता है। भारत सरकार के गृह विभाग को पहल करनी चाहिए और राज्य सरकारों के साथ मिलकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए किसी भी जाति के खिलाफ भीड़ हिंसा और समुदाय और सामाजिक न्याय और कानून की संवैधानिक लक्ष्यों को लागू करने के लिए हिंसा को रोकने के उपायों की पहचान करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करके केंद्र और राज्य सरकारों को रेडियो और टेलीविजन और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारण करना चाहिए जिसमें गृह विभाग और राज्यों की पुलिस की आधिकारिक वेबसाइटें शामिल हैं जो किसी भी तरह की हिंसा और भीड़ हिंसा को कानून के तहत गंभीर परिणाम आमंत्रित करेगी। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर गैर जिम्मेदार और विस्फोटक संदेशों और वीडियो और अन्य सामग्रियों के प्रसार पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जिनमें किसी भी प्रकार का भीड़ हिंसा और हिंसा को भड़काने की प्रवृत्ति है। पुलिस आईपीसी की धारा 153 या फिर कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत FIR दर्ज करने का कारण बनेगी जो उन लोगों के खिलाफ गैर जिम्मेदार विस्फोटक संदेश वीडियो प्रसारित करती है जिनमें ऐसी सामग्री होती है जो किसी भी तरह की हिंसा और हिंसा को भड़काने की संभावना होती है। बात कर लेते हैं राज्यों के कानून। इसके लिए कुछ राज्यों के कानून बनाए हुए उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। मणिपुर
मणिपुर सरकार ने 2018 में लिंचिंग के खिलाफ अपने बिल के साथ पहली बार आया, जिसमें कुछ तार्किक और प्रासंगिक खंड शामिल थे। विधेयक ने निर्दिष्ट किया कि ऐसे अपराधों को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी होंगे, जो पुलिस अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र में लिंचिंग के अपराध को रोकने में विफल रहते हैं उन्हें 50,000 अर्थदंड और 3 वर्षों के कारागार निर्दयता का दंड मिल सकता है। यह राज्य की हिंसा के शिकार लोगों और गवाहों को किसी भी उत्पीड़न या जबरदस्ती से बचाने के अलावा पुनर्वास की योजना शुरू करने और राहत शिविर स्थापित करने का प्रावधान करता है। कानून पीड़ितों या उनके तत्काल परिजनों को पर्याप्त मौद्रिक मुआवजा प्रदान करता है। फिर आता है आपका राजस्थान में, किसने? राजस्थान 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 सरकार ने अगस्त 2019 में लास्ट मोब लिंचिंग के खिलाफ एक विधेयक पारित किया। यह बहुत जल्द उठाया गया कदम नहीं है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अनुसार 2014 के बाद देश में भीड़ के लिंचिंग के 86% मामले आपके राजस्थान में हुए। हालांकि न केवल सरकार ने शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए केवल कुछ दिशा निर्देशों को स्वीकार किया, बल्कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने पर भी आमादा है, जिन पर कर्तव्यों के विचलन का आरोप लगाया जा सकता है। फिर आता है आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने लिंचिंग के खिलाफ एक और कड़े विधेयक के साथ आए। इसमें मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास और 5 लाख तक के जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस महीने एक बैठक के लिए मुख्यमंत्री और सभी विधायक दलों के नेताओं को विधेयक पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। उच्चतम न्यायालय के अन्य दिशा निर्देशों को राज्य द्वारा अपनाया गया। केंद्र क्या कर सकता है? दिशा निर्देशों को अपनाते हुए केंद्र डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए कानून में वर्गों को शामिल करने के लिए अच्छी तरह से काम करेगा, जो ड्यूटी के अपमान के आरोप में खड़े हैं, लिंचिंग के पीड़ितों में शामिल होने में देरी के लिए या फिर एक उचित पूरी तरह से बाहर किए बिना झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, पीड़ितों का मेडिकल परीक्षण पुलिस द्वारा या पीड़ितों के समुदाय या धर्म के खिलाफ उनके स्वयं के पूर्वाग्रह के कारण किया जाता है। पीड़ितों के लिए मुआवजे की योजना के तहत पीड़ितों को भुगतान की जाने वाली राशि अपराध के अपराधियों से वसूल की जानी चाहिए या उन ग्रामीणों पर सामूहिक जुर्माना लगाया जाना चाहिए या लिंचिंग होती है। आगे है, कानून को तैयार करते समय केंद्र राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी मुहैया करा सकता है, जो मॉब को उकसाने के दोषी पाए गए। जब तक मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए एक शून्य सहिष्णुता रवैया नहीं अपनाया जाता, तब तक यह अपराध बढ़ रहा है। मणिपुर सरकार द्वारा अधिनियमित कानून में शामिल किए गए कर्तव्य के विचलन के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई केंद्रीय कानून में भी दोहराई जा सकती है, क्योंकि यह पुलिस अधिकारियों और को पक्षपात पूर्ण भीड़ के पक्ष में काम कर रही है। बात करते हैं भीड़ द्वारा हत्या के कारण। पहला, निजातीय सांस्कृतिक तनाव। जो भीड़ हत्या करती है इसके कारण भी तो होंगे कुछ, तो उनमें पहला कारण क्या? निजातीय सांस्कृतिक तनाव। भारत का समाज विविधता से परिपूर्ण है, जहाँ विभिन्न धर्मों तथा जातियों के लोग निवास करते हैं। इन लोगों के मध्य विभिन्न मुद्दों पर तनाव व्याप्त रहता है, जो निजातीय व सांस्कृतिक तनाव का कारण बनता है। पर असमानता, भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता व्याप्त है, जो समाज में अंतर स्थापित करता है तथा यह भीड़ द्वारा हत्या का एक कारण बनता है। कानून की कमी। भारत में केंद्रीय स्तर पर मॉब लिंचिंग से संबंधित कानून की कमी है तथा मात्र कुछ ही राज्यों में इससे संबंधित कानून बनाए गए हैं, जो भीड़ द्वारा की गई हत्या पर प्रतिरोध से उत्पन्न डर को कम करता है। फिर आपका आपराधिक अस्पष्टता। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता जो आपराधिक अस्पष्टता को जन्म देता है।
अपराधियों के मनोबल में वृद्धि होती। जब भीड़ मिलकर किसी की हत्या कर देती है तो उसमें क्लियर नहीं पता चल पाता है कि किसने, तो अपराधी बच जाते हैं। ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा। तो किसे किसे सरकार या कानून किसके तहत किसे दे, इस तरह का कोई कानून भी तो नहीं है, तो अपराधियों के हौसले और बुलंद होते जाते हैं। आगे बात करते हैं फेक न्यूज। फेक न्यूज व सोशल मीडिया, फेक न्यूज तथा सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयां मॉब लिंचिंग हेतु विस्तृत आधार को उत्पन्न करती है। हम लोग देखें तो न्यूज, फेक न्यूज और सोशल मीडिया का इसमें बड़े स्तर पर महत्व है। किस तरह से फेक न्यूज फैलती है आप लोग जानते हैं। पर भीड़ द्वारा हत्या क्यों रोकनी चाहिए? गैर न्यायिक हत्या, भीड़ द्वारा हत्या और गैर न्यायिक हत्या होती है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 तथा भारतीय कानून प्रक्रिया के विरुद्ध है। पर्याप्त सामाजिक समरसता के विरोध या भारत की अनेकता में एकता के सिद्धांत के विरोध है, अतः इसे रोकना आवश्यक है। अराजकता, भीड़ की हत्या अराजकता को जन्म देती है या क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लचर कर देता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध, मॉब लिंचिंग के मुद्दे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध हैं या भारतीय लोकतंत्र की को अराजक भीड़ तंत्र में परिवर्तित करता है। इसकी आगे की राय देख लेते हैं। भीड़ द्वारा हत्या निसंदेह रूप से भारतीय राष्ट्र की मूल भावना के विरुद्ध है, अतः ऐसे में मॉब लिंचिंग रोकने की कवायद करनी होगी। इस दृष्टि से मॉब लिंचिंग रोकने की केंद्रीय नीति आवश्यक है। इसे रोककर भारत को अपनी लोकतांत्रिक नीति का पालन करना होगा। तो चलिए, ये था आपका पूरा आर्टिकल मॉब लिंचिंग से संबंधित। आशा है कि आप लोगों को अब आपके सभी जवाबों के, यानी कि सवालों के जवाब मिल गए होंगे, जवाबों के सवाल नहीं। ठीक है।